जो सोफा है अभी ये फोटो में ही आया है। अब आप बताओ कि आपने कभी किसी फैक्ट्री में या किसी शोरूम में देखा है ये सोफा? आप पूरी फिनिशिंग इसकी चेक करो, कहीं पे एक प्लेट गायब नहीं होगी। तो अच्छा, हमारे पास जो कस्टमर आता है वो खाली कभी जाता ही नहीं है। ये देखो, ठीक है जी, इसको चौथी मंजिल से कोई फेंक देना, टूट जाए तो वापस दे देना। अच्छा, हाँ जी, सही आइटम आपका, खराब आइटम मेरा। और ये जाने जाते हैं अपनी फिनिशिंग एंड क्वालिटी के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर, बहुत ही अपना एक इंच टेप लेके आ जाए और 1 mm का भी फर्क दिखा दे इसमें। अच्छा, हाँ जी, कोई टांका कम नहीं खींचा, कोई ज़्यादा नहीं खींचा, सब एक्यूरेट खींचे हुए। पूरा 3 इंच मटेरियल के अंदर कोल्टिंग, चेस्टरफील ओरिजिनल ये होती है जी। जी जी, ठीक है जी, ये मतलब बैक साइड है, पूरा चेस्टरफील है ये। हाँ जी, ये सिंगल चेयर है हमारी। अच्छा, ये सिंगल है? हाँ जी सर, ठीक है, कि एक बंदा पतला भी आराम से बैठ जाएगा, मोटा भी इसमें आराम से बैठ सकता है इसमें। ठीक है, तो कलर ऑप्शन हमारे पास कम से कम ये मान लो 30 से 35 कलर ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। 30 से 35? हाँ, और फैब्रिक ये मान लो कम से कम ये मान लो 1500 से 2500 तक के मेरे पास फैब्रिक होते हैं, मतलब डिज़ाइन कलर। अच्छा, डिज़ाइन अच्छा, और कलर बता रहा हूँ मैं इसका। अच्छा, इतने कलर होते हैं, इतने अलग अलग फैब्रिक होते हैं मेरे पास। अच्छा, मतलब बहुत तरह के फैब्रिक होते हैं, अलग अलग, और बहुत तरह के कलर्स होते हैं उन। हाँ जी सर, ठीक है, तो ये आपने सिंगल बताया। हाँ जी सर, सामने ये रखे हुए 3-3 सीटर। हाँ जी सर, ये भी 3 सीटर है, ये भी 3 सीटर है। ठीक है, ठीक है, आप पूरी फिनिशिंग इसकी चेक करो, कहीं पे एक प्लेट गायब नहीं होगी, कहीं पे भी कुछ 19-20 की भी दिक्कत नहीं होगी इस प्लेट के अंदर। हाँ जी, तो मतलब पूरा सोफा में घूम लो। हाँ जी, हर जगह आपको क्विल्ट मिलेगी। हाँ जी सर, जबरदस्त। अब सामने से पता लग रहा है इसकी क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है, जबरदस्त सर। इसके जो फिनिशिंग है ना, इसके लिए ही कस्टमर हमारे पास आता है जी। जी, और ये मान लो कि कम से कम हम 15 से 20 दिन लेते हैं इसको बनाने में, क्योंकि इसकी फिनिशिंग प्रोसेस ही इतना तगड़ा होता है इसका। अच्छा, हाँ जी सर। सर देखो, कस्टमर तो आते हैं फिनिशिंग के लिए, मैं भी आपको इसीलिए आता हूँ फिनिशिंग के लिए। पहली बात, चेस्टर बनाने के लिए ना, वो बंदे को पता होना चाहिए अंदर माल कितना डालना है हमें। अच्छा, सबसे पहली बात, और कितने इंच का ढांचा होना चाहिए, कितने एमएम की कितनी फॉर्म डालनी चाहिए। इसका क्या है, चेस्टर बना तो सब रहे हैं लेकिन आ किसी को नीरा बनाना हो जाता है ना सर। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये काफ़ी अच्छी आपके सेंटर में ये टेबल है या ऑटो मैन है, मेरे को नहीं समझ आ रहा सर। ये सेंटर टेबल भी यूज़ हो जाएगी, सेटी भी यूज़ हो जाएगी, जिस तरीके से कस्टमर यूज करेगा उस तरीके से यूज़ हो जाएगी। इसके ऊपर ग्लास करोगे, सेंटर टेबल यूज़ हो जाएगी। ये चेस्टर फील की है ये जी। जी, ये डिज़ाइन मैंने सिर्फ फोटोज़ में देखा, फर्स्ट टाइम मैं आया यहाँ पे, रियल में देख रहा हूँ। हाँ, सिर्फ मैंने फोटोज़ में ही देखा मैंने ये डिज़ाइन। पूरी चेक कर लो सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, आपके पास कोई भी फर्नीचर ले लो। हाँ जी, फिनिशिंग में ही होगा सारा, एकदम साफ सुथरा, मस्त है एकदम। सर ये फैक्ट्री है। हाँ जी सर, इसके अनुवाद करें। हाँ जी सर, इसका जो फाइनल पीस है वो मैंने यहाँ रख रखा है, जिसका मैंने 322 दे रखा है। अच्छा, हाँ जी सर, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके सारे ही पीस दिखाना चाह रहा हूँ, कि ये सारा चेस्टरफील का ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर इसके अंदर क्या नाम है, मरंडी वुड का ढांचा होता है 1.5x2 का, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा 1 इंची EP 2 इंची सॉफ्टी होती है, ठीक है, ठीक है। सॉफ्टी के बाद में फैदर का गद्दा होता है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर पोलोफिल होती है, ठीक है। अब कस्टमर सोचता है कि ये गद्दे के ऊपर ही इस तरीके से ही काम करता है, लेकिन नहीं, हम गद्दे पे काम नहीं करते, नीचे फ्रेम होता है, पूरा का पूरा नीचे फ्रेम होता है, और उसके ऊपर हम EP लगाते हैं, जिगजैग वगैरह लगाते हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं सीट के, उसके बाद में ही बन पाता है ये, ठीक है। तो अभी दिखा देंगे इसका फ्रेम, दिखा देंगे जिसपे ये काम मतलब होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उससे पहले ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी आप फोम कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं? मैं सीट के अंदर तो सारा फैदर यूज़ होता है जी। अच्छा, फैदर। हाँ जी सर, और बाकी जो होता है सब हल्का माल होता है, थोड़ा सॉफ्टी का होता है, वो बताया था सॉफ्टी आपको मैंने पहले भी बताया था सर, वो कैसा होता है, यही सर, हैवी साइज है। हाँ बताइए, बताइए। और पूरा हैवी सोफा है जी, आप ये देखेंगे इसके अंदर। प्लेन काम तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ठीक है। कस्टमर को किसी को प्लेन चाहिए तो प्लेन भी मिल जाएगा, इसी के अंदर चेस्टर फील मिल जाएगा। अच्छा, ये कुल्ट हो गया हमारी। हाँ, पूरा चेस्टर है ये, ठीक है जी। इसके बाद में इसको बोलते हैं हमारी कच्ची कुल्टिंग। अच्छा, और इसको बोलते हैं पक्की कुल्टिंग। अच्छा, ये प्लीट्स वाली कच्ची कुल्टिंग होगी जो हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्टिच वाली पक्की कुल्टिंग, ये पक्की कुल्टिंग बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा,
तो ये पीछे तक है ये काम? हाँ जी सर, पूरा ऑल ओवर यही पैटर्न चल रहा है बाहर। ठीक है, बाहर ये पैटर्न है, अंदर ये पैटर्न है, बॉर्डर में ये पैटर्न है। मतलब ये सोफा वहां जगह के लिए बना हुआ है जहाँ पे काफी स्पेस है, जहाँ ओपन प्लेस में रखा जाएगा, बीच में, है ना? वही इसके साथ की चेयर है, कस्टमर ने इसका थोड़ा कंट्रास्ट रखा, उसके पास स्पेस था इसको रखने का। छोटी सी चेयर है, काफी अच्छी, बहुत खूबसूरत चेयर है ये देखो, बैक काफी बल्कि जगह काफी अच्छा लग रहा है इसका। कंट्रास्ट में आपने डार्क और लाइट का कंट्रास्ट दे दिया। बताइए, कस्टमर को चेस्टर इतना पसंद आया है, करवा लिया उन्होंने। हाँ। सेंटर टेबल में चेस्टर करवा लिया। हाँ। इसके अंदर चेस्टर फील करवा लिया। हाँ। और हमारा इसमें भी चेस्टर है थोड़ा बहुत। हाँ। है ना, ये डिजाइन तो ये मान लो कि अपना नया ही डिजाइन है। हाँ, यूनिक डिजाइन हो गया डिजाइन। मैंने पहले शुरू में ही बोला था जी, क्योंकि आप जाने आते हो चेस्टर फील्ड के लिए और मैं आपके पास आता हूँ सिर्फ चेस्टर फील्ड के लिए, आपको भी पता। हाँ जी सर, कि आपकी फिनिशिंग के लिए। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा जो इतनी अच्छी फिनिशिंग देते। आप तो इन फ्यूचर कोई हो मिले, पर अभी तक मैंने नहीं ऐसी फिनिशिंग सर आगे भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, नहीं मिल पाएगा। हाँ जी सर, देखते हैं। तो बताइए इसके बारे में। हाँ जी सर, इसकी फिनिशिंग आप चेक करो, पूरा सागवान का पैर है इसका, 3 इंच का कैप लग रहा है इसके अंदर। ठीक है जी, फैदर का गद्दा डाला हुआ है, सॉफ्टी के अंदर ये जो फीलिंग आ रही है ना इसकी, ये वाली, हाँ, ये सॉफ्टी है जी। ठीक है। हाँ जी, सॉफ्टी के ऊपर पॉलो फिल है। ठीक है। हाँ जी, तो साइज की बात करें, साइज क्या है फिलहाल अभी इसका? साइज इसका 30x30 का है ये। ठीक है, 30x30, 2.5 feet by 2.5 feet की, 2.5 feet by 2.5 feet की है। हाँ जी, हाइट भी ऐसे भी 2.5 feet है। हाँ, हाइट भी तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ जी, ऐसे भी 2.5 feet है। हाँ सर, सबसे पहले सर यही आता था। हाँ, यही आपको पता ही है। कस्टमर सोचता है कि भैया सीधे सीधे सोफे बनाता है, ऐसे बनाते ही नहीं है। इस मारे क्या है, इसकी डिलीवरी होने वाली थी। अच्छा, लेकिन कस्टमर से मैंने बोला एक दिन और रुक जाओ, इसकी डिलीवरी ले लेना। अच्छा, क्यों? और आज भी चल रहा है, 40 साल पहले भी चलता था और मान लो कि 30-40 साल चलेगा, बाद भी चलेगा। जी जी जी, ये क्या है, ये फिनिशिंग में बनता है सोफा। जी जी, हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, आपकी चीज, क्योंकि आपका नाम ही बोलता है चेस्टफील्ड के लिए। तो अभी बहुत प्यारी चेयर्स रखी है यहाँ पे, सिंगल सीटर, इसके बारे में बात करें। हाँ जी सर, ये स्ट्राइप चेयर है सर। इसके अंदर गोल्ड की पाइपिंग जैसे आ रही है, तो पूरी गोल्ड की पाइपिंग है स्ट्राइप। क्या है, कस्टमर हमारा, हमारे पास ये भी कस्टमर आए थे, ये आ गई हमारी हाई बैक चेयर। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास ही बनती है चेयर। इसको प्रिंटेड में भी करवा सकते हो, प्लेन में भी करवा सकते हो। इसके ऊपर ये मान लो कि जैसा मर्जी कपड़ा चढ़वा लो, खूबसूरत लगना ही लगना है। जी जी, ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, छोटा सा है। हाँ जी सर, मैं पता नहीं क्यों यार क्विल्ट पे आखना रुक जाता हूँ आपकी। फिनिशिंग देखिए ज़बरदस्त, जैसे वही ओरिएंटल लेग्स हो गए, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, पीछे जो सिंपल वाले होते हैं, इसके अंदर कोई भी बंदा आ जाए, इंची टेप लगा ले, 1 mm का भी मुझे फ़र्क दिखा दे, नहीं आएगा। और चेयर फ्री ले जाए। अच्छा, चेयर फ्री, पहले तो आप फ्री। हाँ, हाँ। सारा हमने फिनिशिंग देखी, ऊपर ऊपर की फिनिशिंग हमने सब देख ली। अब ये देखेंगे कि हम अंदर होता क्या है, मेन क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, कि कहाँ कॉस्टिंग बढ़ रही है और कहाँ घट रही है। हाँ जी, मकान तो दुनिया देखते है, लेकिन मकान की नीम भी देखनी चाहिए। हाँ। इसकी नीम कैसी है, हाँ, कि इसकी लाइफ क्या है। ठीक है जी, ये देखो यही वाली चेयर है, इसका फ्रेम देख लो। जी जी, 3 इंच की लक्कड़ लग रही है जी पूरी। ठीक है जी, 2 इंच की पूरी, 1.5 इंच की। ठीक है, हैवी चेयर है। जी जी, ठीक है जी। अब ये देखो, ये डाइनिंग चेयर है। हाँ, मेरे पास ये नहीं है कि कम बजट का माल होगा तो लकड़ी हल्की लगा देंगे या कुछ कॉस्ट कटिंग करेंगे हम। हमें पैसे बचे चाहे नहीं बचे, लेकिन कस्टमर को माल दे के भेजते हैं हम। अरे, 8 डाइनिंग बन रही है, 2 हाई चेयर ये रही है। ठीक है जी, और 3 बेड। ये फोम भी दिखाया था जो आपके, ये फोमिंग हो रखी है। हाँ जी, अभी ये क्या नाम है, हाँ देख सकते, कम से कम मेरी 3 इंच की उंगली होगी जी। ये देखो, ये भी पूरी अंदर जा रही है, ये भी पूरी अंदर जा रही है। अभी भी कह रहा हूँ सॉफ्टी फैदर का नहीं है, गद्दा नीचे फैदर का है। ये अच्छा है, ठीक है करता सर, साफ बताओ। हाँ जी सर, कुछ नहीं रखा, ये देख लो जी। ठीक है, पूरा 3 इंच का होल होता है इसमें, 3 इंच मटेरियल डलता है इसके अंदर। ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके सारे स्ट्रक्चर तैयार होते हैं ना? हाँ जी सर, ये इसी फैक्ट्री में ही हमारा सारा होता है। ठीक है। हाँ जी, ये देखो 2x1.5। हाँ जी, ये क्या है, किसी का होटल का प्रोजेक्ट है। अच्छा? जो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, 50 सीट हमने कर दिया है, फाइनल हो गया। इसके बाद में 250 सीट चलेगा, वो भी हमारे होते हैं प्लाई के अंदर। अच्छा, ये जो ठीपे होते हैं, क्या होता है, इसमें लकड़ी डालते हैं ना जो टूट जाती है,
ये प्लाई में बनता है। अच्छा, कस्टमर के माइंड में कभी ये भी होएगा कि भाई जबड़े का बोर्ड तो नहीं लग रहा, आपको पता है मैंने एक बार तोड़ के भी दिखाया था जबड़े का बोर्ड। ठीक है तो इसी की बात करते हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे प्लाई लगाई जाती है, आप देख सकते हैं ये कोर इनके, ये पत्ते ये प्लाई होती है। हाँ जी, ये प्लाई है जी सारी, उसकी पहचान। ये देखो जी, ये 322 के मेरे पास सेट देने हैं मुझे, कम से कम 8 सेट देने हैं 322 के। ठीक है। हाँ जी सर, ये भी 2 सीटर है हमारा। हाँ, इसका पूरा जो साइज होता है 5 फीट का होता है। ठीक है। हाँ जी, 7 फीट का हमारा 3 सीटर होता है। पूरा कोरा माल है, हर कोई देख सकता है इसको। कम से कम 2300-2400 रुपए सीट, ढांचा ही ढांचा है हमारा ये। अच्छा, ये वाला 2300-2400 रुपए सीट। हाँ जी सर, ये देखो। ठीक है जी, इसको चौथी मंजिल से कोई फेंक देना, टूट जाए तो वापस दे देना। अच्छा, हाँ जी, सही आइटम आपका, खराब आइटम मेरा। ठीक है, कस्टमर से कहने का मतलब सारा यही है हमारा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कस्टमर जब ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पे जब भी उनका सोफा बन रहा हो, जितनी मर्जी बार आके विजिट करिए, देखिए क्या फ्रेम बन रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है, जो आपने फैब्रिक बोला वो वही लग रहा है, उसी क्वालिटी का लग रहा है, मतलब हर प्रोसेस आप देख सकते हैं। सही आइटम कस्टमर का, खराब आइटम हमारा। ठीक है जी, जो मैंने पहले ही बोला था, ये वो सोफा है जो पहली नजर में देखने में पसंद आने वाला। हाँ जी, ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है ये सोफा। हाँ, ये सोफा अट्रैक्ट, एक ब्लू कलर का इतना अच्छा प्यार रखा हो, चेस्टफील्ड। हाँ जी, मतलब कलर ऑप्शन, कलर ऐसे है कि देख सकते हैं कि रेड कलर में ऐसा लगेगा, ब्लू में ऐसा लगेगा, और पीछे दिखा दिए हमने अलग अलग कलर, बेज वेज जो भी थे। हाँ जी, वो सब दिखा दिए। ये कलर ऑप्शन हो गए, फाइल्स हो गए हमारी। हाँ जी, एक चेयर हमारी ओरिएंटल पैर वाली ये है। अच्छा, ये ओरिएंटल, ये लग हो गए इसके, ये देखो, ये सेम डिजाइन है मेरे ख्याल से जो पहले दिखाया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कलर इसमें ये ऑप्शन दिखा। हाँ जी, कलर तो ये देखो, कम से कम एक बुक के अंदर 40 कलर होंगे, और मेरे पास कम से कम देखो कितनी सारी बुक है। जी, कम से कम 23-40 बुक है मेरे पास यहाँ पे, और उसके अंदर अच्छी क्वालिटी में चेस्टरफील्ड सोफा चाहिए तो प्लीज एक बार आप किस हिसाब से ये चेस्टरफील्ड सोफे बनाए जाते हैं, किस क्वालिटी में, किस फिनिशिंग में बनाए जाते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ दोबारा बुलाने के लिए, और ये इतने नए डिजाइन दिखाने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आशा होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मार्केट में आने वाले नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल